बात कर रहे हैं ओके प्ले इंडिया लिमिटेड की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो ऑलमोस्ट 1% तक की गिरावट के साथ क्लोजिंग। और स्टॉक का चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है? लगातार गिरावट पर जंप पर रिजेक्शन, लो ब्रेकडाउन। गिरावट के बाद जंप पर रिजेक्शन, लो ब्रेकडाउन। यहाँ से एक जंप आया था, स्टॉक ने रिजेक्शन लिया, तो देख सकते हैं आपने इस सपोर्ट को, यानी ऑलमोस्ट 11 रुपये का जो सपोर्ट है ब्रेकडाउन नहीं किया, इसके ऊपर से ही सपोर्ट लेता हमको नज़र आ रहा है। कौन से लेवल पर सपोर्ट लिया? ऑलमोस्ट 12 रुपये 20 पैसे के लेवल पर स्टॉक सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता नज़र आ रहा है। तो नीचे की ओर अब 12 रुपये इमीडिएट सपोर्ट है, और ये जो लो आप देख पा रहे हो जहाँ से गिरावट के साथ बड़ी बाइंग आई थी, बड़ा जंप आया था, 11 रुपये का लेवल तगड़ा और काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा ओके प्ले के लिए। अब यहाँ से खेल के पलटने के चांस बन सकते हैं, क्योंकि इस दफ़ा जब जंप के बाद स्टॉक ने रिजेक्शन लिया तो लो ब्रेकडाउन नहीं किया, इससे पहले रिजेक्शन ले रहा था और अपना रिसेंट लो ब्रेकडाउन कर रहा था। तो ऊपर की ओर आने वाले ट्रेडिंग डे में 13 रुपये इमीडिएट टारगेट है। ब्रेकआउट कर गया तो 13 रुपये 50 पैसे का लेवल, और मेजर जो रेजिस्टेंस फेस करेगा दोस्तों वो करेगा ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं 14 रुपये 20 पैसे 14 रुपये 40 पैसे के लेवल पर, यानी जो इसका रिसेंट हाई। अगर बाउंस बैक के साथ स्टॉक अपने इस रिसेंट हाई को 14 रुपये 40 पैसे के लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो फिर एक क्लियर कट ओके प्ले में अप ट्रेंड का सिग्नल रहेगा, फिर यहाँ से लगातार अप साइड और बड़ी बाइंग, बड़ा जंप और सर्किट भी हिट होते फिर नज़र आ सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हैं।